हालेलुया 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 प्रभु धन्यवाद हो राजा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो आइए प्रभु को धन्यवाद करे धन्यवाद करे धन्यवाद करे आइए प्रभु से कहते हैं कि आज का जो वर्ड है प्रभु में से प्रत्येक बात करने पाए प्रभु हमसे बात कीजिए राजा प्रभु हमसे बात कीजिए राजा प्रभु जो आप कहना चाहते वो हम समझने पाए प्रभु और जैसे आप कहना चाहते हम वैसे ही समझने पाए राजा हालेलुया 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 मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी प्रभु में आनंद देते हैं और आज का वर्ड जैसे मुझसे बात किया है वैसे ही आप लोगों से भी बात करने पाए आइए आज के वर्ड में जाते हैं आज के वर्ड में हम राजा शाऊल के विषय में बात करेंगे हम बात करेंगे कि उनके जीवन के घटना के विषय में हम बात करेंगे जिसमें परमेश्वर पिता ने राजा शाऊल से कहा था कि उन्हें अमालेकियों को खत्म करना है अमालेकी उनके एक पड़ोसी राज्य था या ऐसा ऐसा राज्य था जिसे प्रभु चाहते थे कि राजा शाऊल खत्म कर दे प्रभु चाहते थे कि शाउल उसे पूरी तरह जड़ से उस राज्य को मिटा दे और ये हमें मिलता है पहला शम्बेल उसका पंद्रह अध्याय जहां पर इन बातों को लिखा है हम इसे जस्ट एक शॉर्ट में मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि क्या घटना थी अः के द्वारा परमेश्वर पिता राजा साहुल से बात किया करते थे और उनसे ये कहा था प्रभु ने कि शाहुल से कहना कि वो हर एक अमालिकियों का जो राज्य है उसमें से एक एक व्यक्ति को खत्म कर दे कुछ भी रख नहीं छोड़ना है हर एक चीज को जड़ से समाप्त करना है और समबेल इस बात को शाहुल से कहते हैं और शाहुल उस चीज को करते भी है शाहुल उस चीज को करते भी है वो अमालेकियों से युद्ध करने के लिए जाते हैं और निश्चय उनके ऊपर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं और जैसे ही वो उन पर विजय प्राप्त करते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर पिता ने एग्जेक्टली exactly उनसे क्या कहा था और वो आ, वो क्या करते हैं उनमें से जो भी भेड़ बकरियां रहती है उनकी जो भी गाय बैल रहते हैं वो कुछ अच्छे दिखते हैं उन्हें तो वो उनकी प्रजा के लोग अः राजा की प्रजा के लोग उन चीजों को संभाल कर रख देते है कि नहीं इन्हें हम अपने साथ अपने देश में लेकर जाएंगे साथ ही साथ जो राजा शाहल है वह मालिकियों के जो राजा होते हैं उन्हें भी मारते नहीं जबकि परमेश्वर ने कहा था इसे भी खत्म करना है तुम्हें लेकिन उसे भी मारते नहीं है और उसे भी अपने साथ बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जा लेते हैं और जब वो ऐसा कर देते हैं और परमेश्वर का जो परमेश्वर पता है वो शमवेल से इस बात को कहते कि अब मेरी बातों पर नहीं चलता मैं शाह को राजा बनाकर पछता रहा अब मेरे अनुसार कार्य नहीं करता और जब शमवेल इस चीज को शाह राजा के आगे कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया तूने क्यों परमेश्वर की बात को नहीं माना तूने क्यों परमेश्वर की आज्ञा को वैसे नहीं पूरा किया जैसा कि तुझे कहा गया था तो वो कहता है कि मैंने तेरे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं किया हम इस, इस अध्याय में दो बार इस बात को पढ़ते हैं कि तेरे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया और फाइनली शमवेल को उनसे एक बात कहनी पड़ती है जो कि आज हमारा वर्ड का जो मेन वर्ष है वो है वो है पहला शमवेल उसका पंद्रह अध्याय और उसकी बाईसवीं आयत जहां पर इस प्रकार लिखा है शमवेल ने कहा क्या यह होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है हाली जब मैं इस वर्ष को पढ़ रही थी तो मुझसे प्रभु का आत्मा इस तरीके से बात कर रहा था कि क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता किस बात से प्रसन्न होते हैं या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम किन कार्यों को करते हैं यहाँ पर साफ साफ शमवेल नबी ने राजा को समझाने के लिए इस बात को कहा था कि तू तो जिन होम बलियों हो की और मेल बलियों की बात कर रहा है और तू तो बार बार ऐसा कर रहा है कह रहा है कि तेरे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैंने इन भेड़ बकरियों को रख छोड़ा है इनके इनकी मैं होम बलि चढ़ाऊंगा इनकी मैं, मैं मेल बलि चढ़ाऊंगा ताकि तेरा परमेश्वर प्रसन्न हो सके लेकिन क्या वाकई हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों शमवेल नबी इतना इमोशनल होकर और क्रोध में आकर इस बात को शमवेल से शाहुल से कह रहे हैं कि प्रभु इन बातों से प्रसन्न नहीं होता थोड़ा सा सोच कि प्रभु इन बातों से प्रसन्न नहीं होता प्रभु यदि प्रसन्न होता है तो वो तब होता है जब तू उनकी बातों को मानते हैं जब हम लोग प्रभु की बातों को मानते हैं फॉलो करते हैं जैसा प्रभु हमसे कहते हैं हम उन बातों को करते हैं तब जाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं हाले जैसा कि हम इस संसार में रहते हैं और जो हमारे माता पिता हैं जो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं जो हमारे माता पिता हैं जब हम देखते हैं कि हम लोग चाहे उनके लिए बहुत महंगे से महंगा गिफ्ट लेकर आ जाए या उनके लिए कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश करें शायद वो उस बात से इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि हमारी छोटी छोटी बातों के मानने से वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं हाल मैंने इस बात को बहुत ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में बहुत बार देखा कि जब मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ करती हूँ वो उस चीज से शायद इतना प्रसन्न नहीं होती जितना वो मुझसे कहती है कि छोटे छोटे कार्य को करने के लिए कहती है और ओबीडियंस के साथ जब मैं उन बातों को कर देती हूँ वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी एक अलग ही रौनक लाती है उनके चेहरे पर मेरी बेटी मेरी बातों को मानती है वैसे परमेश्वर पिता का भी है जब सांसारिक माता पिता होने के नाते हमारे पेरेंट्स हमारी हमारी आज्ञा मानने से प्रसन्न होते हैं, तो क्या परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता है निश्चय ये बात नहीं है कि मेल बली और होम बली उस समय में बुरी होती या नहीं करना चाहिए था करना चाहिए था उस सम उस समय का रिवाज था उस समय ये सारी चीजों को किया जाता था तो करना जरूरी था लेकिन उससे ज्यादा जरूरी शाउल के लिए ये नहीं था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने जो परमेश्वर ने उससे कहा है वैसा करे आज मुझे और आपको भी इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम जिन भी कार्यों को करते क्या कई बार हम लोग बहुत अच्छा करने की चक्कर में या बहुत ज्यादा करने के चक्कर में कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं कि नहीं हम वो कर रहे हैं कि नहीं जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रभु ने हमसे कहा है करने के लिए कहीं हम अपनी बुद्धि लगाकर चीजों को बदल तो नहीं रहे जैसे कि यहाँ पे साफ साफ कहा था उसे साफ साफ कहा था कि तुझे उन्हें जड़ से खत्म करना है तुझे उसमें से कुछ भी नहीं रोक छोड़ना है तुझे सब कुछ नष्ट कर देना है लेकिन स्टिल उन्होंने अपना दिमाग लगाया अपनी बुद्धि लगाई और उसमें से कुछ अच्छी चीजों को बटोर लिया कि नहीं इस चीज को हम रख लेते हैं और नाम भी परमेश्वर यहोवा का दे दिया कि हम उन्हें बलि चढ़ाएंगे हालेलुया आज हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हम लोग भी हमें भी सोचने की जरूरत है कि कहीं हमारे भी किसी कार्य को करने में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं बस कार्य करे जा रहे यदि हम ऐसा कर रहे हैं आज हमें सोचने की जरूरत है यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे शाऊल राजा से परमेश्वर पिता प्रसन्न नहीं हुए थे वो वो उल्टा कहते हैं कि कि मैं पछता रहा हूं कि मैंने इसे कहा राजा बना दिया मुझे नहीं बनाना चाहिए था इसे राजा शमवेल अलग प्रभु से दोहा ही दे रहा है इस बात के लिए क्योंकि उसी ने अभिषेक किया था शाहुल का सब लोग परेशान है इस बात को लेकर कि शाहुल को राजा बना दिया गया है और अब वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलता आज हमें भी इस बात को सोचने की जरूरत है चाहे हमारे पेरेंट्स हो चाहे हमसे बड़े हो हमारे पास्टर्स हो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हो और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर पता हमारे हर एक कार्य को करने में हमें सोचना चाहिए कि हम इन सबकी आज्ञाओं को माने हम यदि किसी को प्रसन्न करना चाहते हम उनकी छोटी छोटी बात तो को मानेंगे ना वो हमसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे हमें कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है जस्ट हम शुरुआत करें कि हम उनकी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में मानने की कोशिश करें जब वो हमसे कुछ छोटा सा कार्य भी कहते हैं ना हम उस छोटे से कार्य को भी उतने ज्यादा डेडिकेशन से करें कि हमें कोई बहुत बड़ा कार्य मिला हो हमेशा और डैड इस बात को कहते हैं ना कि छोटा जो व्यक्ति थोड़े में ईमानदार होता है ना वो बहुत बड़े कार्य करने में भी ईमानदार होता है जब प्रभु इन बातों को चेक करते तो सांसारिक लोग होने के नाते भी कई बार इस बातों को चेक किया जाता है कि क्या हम उन छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने में ईमानदार है कि नहीं ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है चर्च हमें बहुत ज्यादा इस बात के लिए केयरफुल होने की जरूरत है कि हम प्रभु की बातों को जब प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है हम उस बात को ध्यान से सुने की वो हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं और हम ध्यान से उन चीजों को करें जो हमें कहना कहा जा रहा है कि हमें करना है बहुत ईमानदारी के साथ बहुत डेडिकेशन के साथ हमें उन बातों को करने की जरूरत है एक इंसिडेंस है जो हम नए नियम में पढ़ते हैं हन्ना और सफीरा के बारे में उन्होंने अपनी जमीन को बेचा था और वो प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना चाहते थे उन्होंने उन्होंने जो ऑफरिंग चढ़ाई थी जो प्रेरितों के सामने रखी थी उसमें अगर वो सच बोल देते तो वाकई वो बच जाते और प्रभु उनसे प्रसन्न होते प्रभु का आत्मा उनसे प्रसन्न होता और उन्हें वो सजा नहीं मिलती जो उनके लिए हुई थी जो उनके लिए मुकर्र हुई थी वो सजा उनकी लाइफ में नहीं होती वो जीवित रहते लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने उन्होंने सोचा क्यों ना हम प्रेरितों के साथ प्रेरितों को यदि हम झूठ भी बोल देंगे तो उन्हें कोई पता नहीं चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनके लाइफ में जैसे ही उन्होंने झूठ बोला वो दोनों की डेथ हो जाती है हाल आज मुझे और आपको उनकी लाइफ के इस इंसिडेंट से समझने की आवश्यकता है कि हमें वो ही करना है जो प्रभु का आत्मा हमें कहने करने के लिए कह रहा है हमें उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कई बार पता है शैतान हमें इन छोटी छोटी चीजों में उलझाने की कोशिश करता है जैसे राजा शाहुल जो बहुत अभिषेक थे इवन वो इतने ज्यादा अभिषेक थे कि दाऊद को इतनी बार मौका मिला उन्हें मारने का उन्हें खत्म करने का लेकिन दाऊद नहीं करना चाहते थे दाऊद उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि दाऊद जानते थे कि इन्हें परमेश्वर ने चुना है ये परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा इनके साथ कार्य करता है मैं कैसे इनका मैं इसे मैं कैसे इनका खात्मा कर दू दाऊद ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया लेकिन तब भी शैतान उनके जीवन में कार्य करता है और वो प्रभु की आज्ञाओं से पीछे हट जाते हैं प्रभु की आज्ञाओं से धीरे 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 करके वो पीछे हट जाते हैं जबकि प्रभु नहीं चाहते थे कि ऐसा हो प्रभु ने ऐसा नहीं चाहता कि शाहुल अपने पद से भटक जाए और ऐसा कार्य करने लगे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने हम हमारे ऊपर जिन लोगों को ठहराया गया है जिनकी अधीनता में हम है चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो चाहे वो हमारे आत्मिक माता पिता हो चाहे हमारे पासवान हो प्रभु उन्हें ठहराया है कि हम उनकी आज्ञाओं को माने हमसे वो जो कहे करने के लिए, के लिए कह रहे हैं हम उन बातों को क्या संडे को एक दिन डैड ने कहा था कि जब आपका पास्टर या आपके माता पिता आपसे कोई कोई ऐसा कार्य करने के लिए भी कहते हैं ना जिस जिस जिसका कोई जो बहुत अजीब सा हो जो बहुत ही अजीब हो लेकिन तब भी उस चीज को ना कर दो क्योंकि हम आज नहीं जानते कि उस कार्य की का, को करने की क्या वैल्यू लेकिन आने वाले समय में जब हम देखेंगे ना तो वो हमारे लिए टेस्ट में कोई क्योंकि उनके द्वारा प्रभु का आत्मा में आगे बढ़ना है हमारा उन बातों को सुनना, सबसे पहले तो सुनना हमारा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो सुन रहे हैं हम उस बात को बहुत ध्यान से सुने और जब हम उसे सुनते हैं उसे अपने हृदय की पट्टिकाओं पर उतार दे ताकि हमसे गलती ना हो ताकि हम गलत ना करे चीजों को करने में हम घुमा ना दिए जाए जैसा कि वर्ड कहता है ना ये जो समय है वो ऐसा चल रहा है कि शैतान हमको घुमा देगा भरमा दिए जाएंगे हम यदि हमें वर्ड नहीं पता होगा यदि हम प्रभु के प्रेजेंस में नहीं रहेंगे वचन की एक वर्ड्स बताती है ना कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है लिटरली हमारा सुनना बेहद महत्वपूर्ण है हमारा विश्वास के साथ सुनना और चीजों के ऊपर कार्यरत होना बेहद महत्वपूर्ण है आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम जो सुनते हैं ना प्रभु से हम उन बातों को वैसे ही करें जैसे कि कहा जा रहा है बहुत ध्यान पूर्वक हम पवित्र आत्मा की बातों को सुने बहुत पूर्वक हम अपने पासबान की बातों को सुने बातों को जब वो हमसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए कि कैसे प्रभु का आत्मा हमसे प्रसन्न भी होता है और कैसे वो चीजें हमारी लाइफ में ब्लेसिंग को भी लेकर आती है और प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका प्रभु ने बहुत सिंपली इस बात को कहा है जैसे इसमें कहा गया है कि प्रभु अपनी बातों के सुने जाने पर, माने जाने पर पर माने प्रसन्न होते हैं प्रभु किसी भी ऑफरिंग से बढ़कर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम अपने आप को प्रभु के आगे ऑफरिंग के रूप में चढ़ चढ़ा देते बलिदान कर देते कि प्रभु आप जो कहेंगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ प्रभु मैं एग्जेक्ट वो ही करना चाहती हूँ जो आप मुझसे चाहते मैं उसके अलावा कुछ नहीं करूंगी मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं वो करूंगी जो आप चाहते हैं हाल लोहिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज से हम जो कार्य करें वो हम प्रभु के प्रभु के आत्मा की सुन कर करे अच्छे से सुन कर करे और उसी डेडिकेशन के साथ करे जिससे हम बड़े कार्य को करते हैं हम छोटे छोटे कार्यों में भी उतना ही एफर्ट लगाए हाल या आज मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन ने आप लोगों से बातचीत करी और ये वचन आप सभी के जीवन में इसी प्रकार कार्य करने पाए आप सभी को जय मसीह की लॉर्ड